राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज मौसम बदल जाएगा। वहीं कर्नाटक, जम्मू कश्मीर आदि में हल्की बारिश के आसार है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बुधवार शाम आतंकवादियों ने एक व्यक्ति को गोली मारकर घायल कर दिया। देश में कल के मुकाबले में आज कोरोना मामलों में 7 से 4% की गिरावट दर्ज की गई। यूपी में मुस्लिम महिलाओं से रेप की धमकी देने वाला मोहन बजरंग मुनि गिरफ्तार, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। शेयर बाजार अगले 4 दिन तक बंद रहेंगे। अब सीधे 18 अप्रैल को निवेशक कर सकेंगे ट्रेडिंग। राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश में तापमान में 2 से 3% की गिरावट देखने को मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर हरिद्वार और दिल्ली में हुई धर्म संसदों में हेट स्पीच के मामलों में जांच और कार्रवाई की मांग की है। आंध्र प्रदेश में एक रासायनिक कारखाने में भीषण आग लगाने और रिएक्टर विस्फोट में 6 लोगों की मौत हो गई। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित सिविल अस्पताल के एक लिपिक को कथित तौर पर रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया।